हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रियल वास्तु विद मेघा में। यहाँ पर आपको व्रत व त्योहार से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धनतेरस 2021 दो या 3 नवम्बर पूजा मुहूर्त आज करना न भूलें यम दीप दान। धनतेरस का पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी व धनवंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार धन और समृद्धि का कारक माना जाता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार इस दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक भगवान धनवंतरी जी समुद्र मंथन से अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। इस दिन नए बर्तन खरीदने की मान्यता है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी खरीदा जाता है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। आज हम आपको साल 2021 धनतेरस किस दिन मनाया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और यम पूजन के बारे में बताएंगे। साल 2021 में धनतेरस का पर्व 2 नवंबर मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 2 नवंबर सायकाल 6:17 से रात्रि 8:11 तक। प्रदोष काल पूजा मुहूर्त सायकाल 5:35 से रात्रि 8:11 तक। वृषभ काल पूजा मुहूर्त सायकाल 6:17 से रात्रि 8:12 तक। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 2 नवंबर प्रातःकाल 11:31 पर। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 3 नवंबर प्रातःकाल 9:02 पर। आइए जान लेते हैं धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस के दिन संध्या काल में पूजा का विधान है। इस दिन शाम को पूजा स्थल में घर की उत्तर दिशा की ओर धनवंतरी और कुबेर की प्रतिमा को स्थापित करें और प्रदोष काल में उनकी विधिवत पूजा करें। इस दिन शाम के समय माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की पूजा भी जरूर करें। पूजा में भगवान कुबेर को सफेद मिठाई और धनवंतरी जी को पीली मिठाई का भोग लगाएं और सभी पूजन सामग्री अर्पित करते हुए आरती कर लें। धनतेरस के दिन यमराज के नाम से एक दीपक निकालने की भी परंपरा है। आज के दिन यम दीपक दान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार धनतेरस के दिन यमदेव की पूजा करने से यमदेव प्रसन्न होते हैं। यम दीपदान के लिए सबसे पहले आटे का एक चौमुखी दीपक बना लें और विधिवत इसकी पूजा कर रंगोली पुष्प अर्पित करें। अब इस दीपक को घर के दक्षिण दिशा के मुख्य द्वार के दाईं ओर रख दें और यम देवता का नमन करते हुए परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। धनतेरस या धन त्रयोदशी के दिन दक्षिण दिशा में दीपक जलाकर पूजा अर्चना करने से भय या डर से छुटकारा मिलता है। आइए जान लेते हैं कि इस दिन क्या करें। शास्त्रों में इस तिथि का खास महत्व माना जाता है। धनतेरस के दिन सबसे पहले प्रातःकाल स्नान कर अपने घर और पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ और स्वच्छ कर लें। इसके बाद इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी पीतल व अन्य धातु, दिवाली से संबंधित खरीदारी, मिट्टी का दीपक या लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा खरीदें। इस दिन धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु कुबेर देवता के लिए घर में पूजा स्थल पर दीप दान कर उनकी विधिवत पूजा करें और अंत में यम देव के नाम से घर के मुख्य द्वार पर भी दीप दान करें। इससे आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हो तो आप रियल वास्तु विद मेघा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।